हेलो एवरीवन, मैं शुभ अहमद आज आप सभी का स्वागत करता हूँ चैनल नर्सिंग लॉजी के अंदर। और मेरे प्यारे साथियों, आज का सेशन रहने वाला है पुराने प्रीवियस जो आपके रिपीटेटिव क्वेश्चंस है उनके बारे में। तो जल्दी से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस है और याद करते जाइएगा, उन टॉपिक्स को समझते जाइएगा। आपका अपना चैनल नर्सिंग लॉजी सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए पहला आपका क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव डाटा। कौन सा स्टेटमेंट सब्जेक्टिव डाटा का एग्जाम्पल होता है? देखिएगा, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, इनके ऊपर सवाल बनते हैं। ए, ब्लड प्रेशर इन द राइट आर्म सुपाइन पोजीशन 130 बाय 80 एमएम ऑफ एजी। बी होता है ओरल टेंपरेचर 39 डिग्री सेल्सियस। एंड सी है सिस्टर्स नोट्स ऑन द फाइल, पेशेंट हैज रेडनेस ओवर द लेफ्ट लेटरल मैल्यूलस। एंड डी होता है पेशेंट सेज आई एम हैविंग नोजिया। अब देखिएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा की बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। भाई सब्जेक्टिव डाटा कौन सा होता है? मैंने आपके ऊपर देखूं तो ये तो देखने का वाला तो ऑब्जेक्टिव हो गया, और आपने खुद ने मुझे बताया ये होता है सब्जेक्टिव। पेशेंट खुद बोल रहा है ये सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि मैंने पेशेंट का बीपी देखा, वाइटल साइन देखे, सारा मैं देख रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पूछा गया है आपसे सब्जेक्टिव डाटा कौन सा है, तो यहां याद रखिएगा पेशेंट खुद ब खुद बोल रहा है कि सर मुझे उल्टी जैसा मन हो रहा है। तो कभी भी याद रखिएगा, उल्टी नर्स नहीं ढूंढती कि उल्टी जैसा मन है, पेशेंट खुद बोलेगा। इसको कहते हैं आपका सब्जेक्टिव डाटा। कैसा डाटा? सब्जेक्टिव डाटा। देखिए कौन से डाटा होते हैं। डाटा का मतलब है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत बेशकीमती होती है। दो तरीके से डाटा को हमने डिवाइड किया गया, एक तो कहलाएगा सब्जेक्टिव और दूसरा कहलाता है ऑब्जेक्टिव। हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर साहब आपसे डायरेक्टली पूछता है कि कल क्या खाया था, कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है। तो याद रखिएगा, जो भी बात अगर पेशेंट खुद बोलता है, पेशेंट सेज, वो सब सब्जेक्टिव डाटा। अगर डॉक्टर देखता है, ऑब्जर्व करता है, वो सब आपका ऑब्जेक्टिव डाटा। अब यहां मुझे बताइए, आपका ओरल टेम्परेचर इतना है, डॉक्टर ने, नर्स ने देखा। यहां बीपी इतना है, ये भी डॉक्टर नर्स ने देखा। यहां गाल के ऊपर रेडनेस हो रही, ये भी उसने देखा। तो भैया ये तीनों आपके क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव डाटा है, तो ये याद रखिएगा। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है ये, प्रिफरेबल लंबर पंचर इज डन एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइड। लंबर पंचर जो होता है, इस प्रोसीजर को याद रखिएगा। लंबर पंचर, इसको एलपी पंचर कहते हैं। ये क्यों करते हैं भैया? सीएसएफ को निकालने के लिए करते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में सूजन आ रही है। अब आप ऐसा तो नहीं कि सूजन के लिए दिमाग को फोड़ेंगे और अंदर का सैंपल लेंगे। भाई ब्लड हम तो यहां से निकाल लेते हैं, दिमाग से कोई ब्लड नहीं निकाल सकता। याद रखें आप क्या करने वाले, लंबर पंचर करने वाले। और मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन आपका, लंबर पंचर आप कौन सी साइड से करते हैं? T12 से L1, बी L1 से L2, सी है L2 से L3, एंड डी है L3 से L4। याद रखिएगा, लंबर पंचर की परफेक्ट साइड होती है L3 से L4। ये साइड अडल्ट में है। अडल्ट में जब भी आपको सीएसएफ निकालना होता है ना, सीएसएफ एक ऐसा फ्लूड हो गया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड, जो पूरे दिमाग के चारों तरफ है, और वही आपके न्यूट्रिएंट्स और सारी सप्लाई एक्सचेंज के काम में आता है। अगर बैक्टीरिया वायरस है तो सीएसएफ में पाए जाएंगे ना। तो आप क्या करते हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर L3 L4 में जाकर के स्पाइनल निडल डाल दिया जाएगा। क्या डाल दिया जाएगा? स्पाइनल निडल। और ये स्पाइनल निडल आपकी अलग अलग गॉज की होती है, 25 और 26 गॉज की होती है, जो आपका डाल दिया जाता है। एनेस्थीसिया निडल कहा जाता है इनको, स्पाइनल की जगह एनेस्थीसिया निडल कहते हैं। अब पहले के टाइम पर स्पाइनल का चलता था, जो 16 गॉज का स्पाइनल निडल लेते थे, बट अब एनेस्थीसिया, क्योंकि इसका फायदा यह भी है कि आप फ्लूइड निकाल भी सकते हैं, एनेस्थीसिया दे भी सकते हैं। ये बच्चों के अंदर पूछा जाए कि आपके इन्फेंट है बच्चों में, आप सीएसएफ लेंगे कौन सी साइड से लेंगे, तो आप याद रखिएगा L4 से L5 साइड है जहां से लेते हैं। और आपकी जो रीढ़ की हड्डी अडल्ट में जो कंप्लीट हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड जो कंप्लीट हो जाती है, वो L2 पर कंप्लीट हो जाती है, तो इन्फेंट के अंदर L3 पर जाकर स्पाइनल कॉर्ड खत्म। तो हमें क्या करना है, जहां स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी ना हो वहां से सैंपल लेना पड़ेगा। चलें ले दिया है, अब आगे चलते हैं। आपका अगला है, इन अडल्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ। यहां देखिएगा, पूछ लिया गया कि कौन से एंड पर, इन अडल्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड एट द लोअर बॉर्डर, कौन से लोअर बॉर्डर पे स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाती है? ए L1, बी L2, L5, सी S2, एंड डी है S5। गाइस यहां देखें, आपको मैंने बताया था कि आपके स्पाइनल कॉर्ड अडल्ट में L2 पर खत्म हो जाती है, बट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला गया, L2 नहीं दिया गया। तो आप इसका मोस्ट इससे जुड़ता हुआ सवाल का आंसर देंगे। तो देखें, L1 हमारा मोस्ट प्रीफर्ड आंसर रहेगा कि L1 पे जाकर के स्पाइनल कॉर्ड एंड, फिर आप सीएसएफ ले सकते हैं।
तो आप CSF जो ले रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, वो याद रखिएगा आप सब एराकनॉइड स्पेस से लेते हैं। कौन सी स्पेस से? सब एराकनॉइड स्पेस जो होती है, सब एराकनॉइड स्पेस से लेंगे तो हमारा दिमाग जो होता है, इस दिमाग के ऊपर लेयर्स कुछ इस प्रकार से बनी हुई होती है कि आपका लेयर्स इस प्रकार से होगी कि सर PAD के नाम से याद रखिएगा, PAD। सबसे नीचे वाली लेयर को कहते हैं पाया मैटर कहेंगे, पाया मैटर। ऊपर वाली जो लेयर होती है इसको कहते हैं एराकनॉइड मैटर कहा जाता है, और ऊपर वाली के ऊपर जो आता है उसको ड्यूरा मैटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूरा मैटर। भाई इन दोनों लेयर जो है ना, एराकनॉइड और पाया मैटर, इन दोनों के बीच की जो गैप है इसको कहते हैं सब एराकनॉइड। यहां से लेना है, ठीक है, चलेगा। अगला आता है, प्रायर टू लंबर पंचर ऑल द फॉलोइंग शुड बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट बाय द नर्स एक्सेप्ट। जब भी लंबर पंचर करिए सारी बातें समझानी है, बट एक बात मत समझाइएगा। ए, दैट इंसर्टिंग अ नीडल विल नॉट रिजल्ट इन पैरालिसिस। बी, एनकरेजिंग द पेशेंट टू एम्प्टी द बाउल एंड ब्लैडर। सी, टू मेंटेन हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ स्पाइन। एंड डी, अलाउ द पेशेंट टू कफ। मेरे प्यारे साथियों यहां याद रखिएगा एक बात हमें एक जरूरी है समझाना कि भैया जब भी आप एनकरेज करें, मतलब ब्लैडर को खाली करना पड़ेगा, एक निडल चुभेगी तो हो सकता है वो वॉइड कर दे, आपको उसको ये बोलना पड़ेगा वॉइडिंग करें। करेक्ट बात है ये। तो टू मेंटेन हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द सुपाइन, सुपाइन की हॉरिजॉन्टल पोजीशन बनाना। एंड डी है अलाउ द पेशेंट टू कफ। अब देखिए आप जब भी ये करने वाले हैं आपसे क्या हो सकता है, कभी भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन की तरफ नहीं जाने वाले, टू मेंटेन हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ स्पाइन नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि हमें लंबर पंचर की एक बात बता है कि जब लंबर पंचर करते हैं तो बेड जो होगा पेशेंट का, बेड के ऊपर पेशेंट को एक परफेक्ट पोजीशन दी जाती है जिसको कहा जाता है फीटल एटीट्यूड पोजीशन। फीटल एटीट्यूड पोजीशन कहेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं सी शेप्ड पोजीशन। तो फीटल एटीट्यूड पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट को आपने कुछ इस प्रकार से कर्व करना है, इस तरीके से बच्चा सुकड़ जाता है, उस तरीके से सुकड़ना है कि आपके गैप जो होंगे वो बड़े बड़े हो जाए, तो गैप कमर के गैप। तो आप लेफ्ट करवट देने वाले हैं, कैसी? लेफ्ट लेटरल पोजिशन। लेफ्ट लेटरल पोजिशन दे रहे हैं कहां पर? बेड के राइट एज पर, राइट एज पर लीजिएगा और यहां से निडल डाल सकते हैं। तो कभी भी सुपाइन लेटाएंगे तो सुपाइन से एक निडल नहीं जाएगी। चलें अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका ये है बैक सोर का क्वेश्चन। अ पेशेंट हैज अ प्रेशर सोर ऑन द बैक ऑफ अ राइट हिप एंड द बोन इज एक्सपोज्ड। दिस प्रेशर सोर इज, यहां ये बोला जा रहा है एक पेशेंट है जिसका हिप के ऊपर, सीधे हिप के ऊपर क्या हो गया, हड्डी तक दिखने लग गई, बेड सोर हो गया। कौन से डिग्री का बेड सोर है? ए स्टेज 1, बी स्टेज 2, सी स्टेज 3 एंड डी है स्टेज 4। अब देखिएगा क्या आंसर देने वाले हैं, बेड सोर से रिलेटेड ही आएगा। अब देखिएगा बताइए क्या आंसर देंगे। तो यहां आंसर आपका आ जाएगा स्टेज 4। कैसे समझिएगा? चार स्टेजेस होती है गाइस, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। और हमारी लेयर जो होती है स्किन लेयर, यहां सबसे पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी। यहां समझिएगा एपिडर्मिस जो है सबसे पहली लेयर, फिर आती है आपकी डर्मिस, फिर आती है आपकी सब क्यूटेनियस, फिर आपकी मसल्स आ जाती हैं, मसल्स के बाद नीचे की तरफ आपकी हड्डियां आ जाती है। अब देखें कैसे बैट सोर, बैट सोर का मतलब है खाल भी हट जाए, खाल के साथ साथ अंदर का टिश्यू भी गलने लग जाए। अगर किसी इंसान के सिर्फ सिर्फ ऊपर की तरफ रेड रेड हो रहा है, नॉन ब्लीचेबल रेडनेस, नॉन ब्लीचेबल एक तो होता है मैंने दबाया थोड़ी देर लाल हुआ फिर नॉर्मल हो गया, ये तो ब्लीचेबल रेडनेस है। नॉन ब्लीचेबल का मतलब होता है आपको बेड सोर के अंदर ऐसा लाल रेडनेस देखने को मिलेगी जो अपने आप नॉर्मली डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएगी, हट नहीं जाएगी। तो आप समझिए जब भी एक लाल रेडनेस देखने को मिले आपका पहला बेड सोर का स्टेज है स्टेज 1 कंप्लीट। पहली स्टेज में, पहले स्टेज में सिर्फ रेडनेस देखने को मिली, दूसरी स्टेज जब आई तो आपकी एपिडर्मिस जो थी ये रिमूव हो गई और आपको दिखने लग गई दूसरी लेयर, तो दूसरी स्टेज में दूसरी लेयर दिखने लग जाती है। तीसरी स्टेज के अंदर आप जाएंगे तो पहली लेयर और दूसरी लेयर हट जाएगी तो तीसरी लेयर जो है वो दिखने लग जाएगी, विजिबल हो जाएगी। चौथी स्टेज के अंदर पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, मसल सब कुछ हट गई, आपकी बोन जो है वो एक्सपोज हो जाती है, दिखने लग जाती है। यही सवाल ने बोला कि कौन सी लेयर में बोन एक्सपोज हो जाती है, फोर्थ लेयर, सबसे सीवियर लेयर।
यहां बात याद रखें, सबसे जरूरी आपके लिए बोला जाता है जब भी बेड सोर होगा किसी को तो आपको हाई प्रोटीन डाइट देनी पड़ेगी। कैसी प्रोटीन डाइट? हाई प्रोटीन डाइट। और यही प्रोटीन डाइट विटामिन सी के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, विटामिन सी के साथ। और यहां यूज में ली जाती है आपकी बल्ब थेरापी, यूज में ली जाती है। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, 100 वॉट का बल्ब जलाना है 40 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे और 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे क्या होगा सारा मॉइस्चर सोख लेगा और उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आप पेशेंट इज फाउंड टू हैव रेडेंड एरिया ऑफ द स्किन विद सीरम फिल्ड ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन, द वुड इज स्टेजियस। यहां बोला जा रहा है एक पेशेंट है जिसके सीरम फिल्ड ब्लिस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, फूले हो गए हैं, तो वो कौन सी स्टेज में? ए स्टेज वन, बी स्टेज सेकंड, सी स्टेज थर्ड एंड डी स्टेज फोर्थ। याद रखिएगा गाइस, यहां ब्लिस्टर्स आपको जो देखने को मिलते हैं वो स्टेज सेकंड में देखने को मिलते हैं। देखिए कैसे आपको स्टेज सेकंड में ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे, मैं आपको समझाता हूं ब्लिस्टर्स किस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। यहां तक हमने एक एक लेयर को समझा था, पहली लेयर में सिर्फ रेडनेस देखने को मिलेगी जब एपिडर्मिस हट जाती है, तो यहां छोटे छोटे ब्लिस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब ये सीरम फिल्ड ब्लिस्टर्स आपको कहां? सेकंड लेयर में देखने को मिल रहे हैं। कौन सी लेयर में? सेकंड लेयर में। तो सेकंड लेयर में आपको क्या देखने को मिलते हैं? ब्लिस्टर्स। और सेकंड लेयर वाले को ही हम क्या कहते हैं? पार्शियल थिकनेस का नाम भी देते हैं, पार्शियल थिकनेस। ठीक है, पार्शियल थिकनेस कहेंगे। और फुल थिकनेस जो होता है ये आपका फुल थिकनेस, फोर्थ स्टेज आपकी फुल थिकनेस बोन है। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर एरियाज ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर सोर एक्सेप्ट। यहां बोला जा रहा है कि सारी के सारे मेजर एरियाज हैं प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर, एक नहीं है। ए बैक केयर, बी यूज ऑफ ओवर बेड क्रेडल, ओवर बेड क्रेडल का यूज होना, सी पोजिशनिंग, डी है यूज ऑफ थेरापूटिक बेड एंड मैट्रेसेस। गाइस याद रखिएगा, एक योगदान जो होता है सबसे बड़ा योगदान है पोजीशन बदलने का, दूसरा होता है मॉइस्चर ना हो। अब यहां बोला जा रहा है बैक केयर देते हैं कि बेड सोर पे, बिल्कुल देते हैं बैक केयर देते हैं, बट यहां बोला गया यूज ऑफ ओवर बेड क्रेडल। गाइस यहां ओवर बेड क्रेडल जो है ना ये बर्न की केस में दिया जाता है, बर्न का केस जब होगा उसमें दिया जाता है कि एक फ्रेम बना देते हैं उसके ऊपर गद्दा रजाई जो होती है, एक कवरिंग जो होती है वो रख देते हैं। इससे क्या होगा, पेशेंट के ऊपर डायरेक्ट चोट लगी हुई, मान लीजिए मेरे बर्न हुआ हुआ है तो यहां पर अगर मैं कंबल रगाऊंगा तो दर्द होगा, तो इस तरीके से हीट का काम करने के लिए पैक कर देते हैं, ये करते हैं। तो याद रखिएगा बेड क्रेडल का जरूरत हमारे बेड सोर में हमें नहीं पड़ने वाला, पोजीशन हमें बदलनी पड़ती है, अच्छा मैट्रेस और थेरेप्यूटिक बेड लेना ही पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग एंड इन्फेस्टेड बेड डेक्यूबिटस अल्सर। यहां बोला जा रहा है कि एक डेक्यूबिटस अल्सर है उसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट हीलिंग काम करने वाला कौन सी चीज होगी इनमें से? ए एडिक्वेट सर्कुलेटरी स्टेटस, बी होता है शेड्यूल्ड पीरियड ऑफ रेस्ट, सी होता है बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट एंड डी होता है फ्लूइड इनटेक ऑफ 1500 ml पर डे। याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एडिक्वेट सर्कुलेटरी स्टेटस का होना, कि आपका देखिएगा होता क्या है जब बेड सोर की बात चलती है, प्रेशर सोर की, हमें हमेशा ये होता है कि सर हमारा जो एक ब्लड सप्लाई है ना वो डिक्रीज हो गई। ब्लड सप्लाई कैसे डिक्रीज हो गई? अगर आप सीधे सो रहे हैं और सोते सोते आपका एक पार्ट पे जो ये वेसल जा रही है और इस पार्ट पे आपने प्रेशर लगाया तो यहां से ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। अब ये लेकर के जा रही है ब्लड आगे की तरफ छोटे छोटे सेल्स की तरफ, अब मानिए कि यहां से ब्लड नहीं जाएगा तो ये सेल्स क्या होने लग जाएंगे, डेथ होने लग जाएगी, और डेथ होते होते ये पार्ट क्या हो जाएगा, नेक्रोस हो गया, तो हम इसको क्या कहते हैं, बेड सोर कहेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी आपका ये है कि आप सर्कुलेटरी स्टेटस बनाए कि सर्कुलेशन होता रहे उस पेशेंट के बॉडी पार्ट का। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज, सबसे पहला स्टेप नर्सिंग प्रोसेस का कौन सा होता है? ए प्लानिंग, बी असेसमेंट, सी इंप्लीमेंटेशन एंड डी इवैल्यूएशन। याद रखिएगा गाइस, ये एक ऐसा नर्सिंग प्रोसेस, एक ऐसा काम है जिसमें एक सिस्टमैटिक तरीके से आप पूरा का पूरा डाटा लेते हैं, पेशेंट के प्रॉब्लम को जानते हैं, पेशेंट की कमजोरी को, पेशेंट के फायदे को जानते हैं, उसके बाद हम उसकी प्लानिंग करके उसका एक इंतजाम करते हैं कि हाँ तुम ठीक हो गए हो।
अब देखिएगा सबसे पहला स्टेप पूछा गया वो कौन सा होता है, प्लानिंग होता है, असेसमेंट होता है, इंप्लीमेंटेशन या इवैल्यूएशन। याद रखिएगा ये स्टेप होता है आपका असेसमेंट। कौन कौन से स्टेप होते हैं अब देखें, पहला स्टेप है आपका असेसमेंट, दूसरा स्टेप होता है डायग्नोसिस, तीसरा होता है प्लानिंग, चौथा होता है इंप्लीमेंटेशन और पांचवा होता है इवैल्यूएशन का होना। तो आपके कौन कौन से स्टेप हो गए, असिस्मेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। असिस्मेंट में डाटा इकट्ठा करना है, उसके बाद प्रॉब्लम को पहचानना है, तो डायग्नोसिस में प्लानिंग करनी है, हमें प्लान बनाना है कैसे काम करेंगे, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है कि हाँ भाई हम अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं, और फिर आउटकम चेक करते हैं तो आप करते हैं इवैल्यूएशन के जरिए आउटकम को चेक करते हैं। चलें अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है नंदा इज, नंदा का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल नर्सेज डायग्नोसिस ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स, बी है डायग्नोस्टिक कंपनी, सी है नॉर्थ अमेरिकन नर्सेज डायग्नोसिस एसोसिएशन, एंड डी है नर्सिंग डायग्नोसिस लिस्ट। तो आप देखिएगा नंदा का मतलब होता है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, ऐसी एसोसिएशन जिसमें हर बीमारी का डायग्नोसिस बनाया गया कि एक इनअप्रोप्रिएट गैसेज एक्सचेंज हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो आपका क्या है भाई नंदा। तो डायग्नोसिस बनाने वाली पूरी ऑर्गेनाइजेशन नंदा ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, तो इसको नंदा इंटरनेशनल भी कहा जाता है। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रायोरिटाइज द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, यहां बोला जा रहा है डाटा कलेक्शन के वो सारे पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करें कि कौन कौन से डाटा कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। एक ऑब्जर्व द पेशेंट बाय यूजिंग द सेंस लाइक साइट, स्मेल, हियरिंग एंड टच। आप ऑब्जर्व करें पेशेंट का सेंस को कि साइट, स्मेल, हियरिंग के द्वारा। बी इंटरव्यू द पेशेंट, ऑब्टेन डाटा बाय आस्किंग रेलिवेंट क्वेश्चंस। एंड सी आपका क्या होगा, सी आपका होता है कि हम एग्जामिनेशन द पेशेंट, रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ ऑल मेजर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी थ्रू लेबोरेटरी मेथड। एंड डी है यूज इंस्पेक्शन, पालपेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन इन फिजिकल एग्जामिनेशन। अब गाइस यहां देखिएगा कि सीक्वेंस में हमसे बोला जा रहा है कि आप किस सीक्वेंस में इन सबको काम करने वाले हैं। तो देखें सबसे पहली बात आपको बोला गया कि एक पेशेंट का यूज ऑफ सेंस, साइट, हियरिंग, टच के द्वारा इंटरव्यू करें पेशेंट को, इंटरव्यू करना है या फिर हमें क्या करना पड़ेगा। तो आप देखें सबसे पहली बात आप पेशेंट को डायरेक्टली इंटरव्यू करेंगे, क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली इंटरव्यू करने वाले हैं। और डायरेक्टली इंटरव्यू करेंगे तो इस प्रकार से आप करने वाले हैं कि बी ए सी डी करके, कि बी से सर हम इंटरव्यू करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को, ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करने वाले हैं पेशेंट का एग्जामिन करेंगे मेजर सिस्टम्स को, मेजर सिस्टम्स को लेबोरेटरी रिजल्ट ऑफ इंस्पेक्शन के द्वारा कर सकते हैं। तो ये हमने सारी बातें हमें याद होनी चाहिए कि किस प्रकार से एग्जाम में पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी के लिए ये क्लास कुछ सवालों से रिलेटेड थी, मिलते हैं अगली क्लास में। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू।